Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, your Pamela. So, आज मैं दिखाऊंगी कुछ healthy breakfast. मैं तो इसको pre-workout भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं workout के पहले ये लेती हूँ. मेरा जो trainer है उन्होंने मुझे कहा था कि हमेशा अच्छे से protein लेना. तो मैं कोई protein use नहीं करती हूँ, protein powder use नहीं करती हूँ. तो मैं घर पे बनाना चाहती हूँ और उसमें थोड़ा सा according to my taste मैं इसको थोड़ा सा चेंज किया है. मैंने लिया है यहाँ पे ओट्स है, फैट फ्री मिल्क, और ये मैंने लिया है क्रंची वाला पीनट बटर, और ये है ब्लूबेरी. सो ब्लूबेरी मुझे पसंद है, और ब्लूबेरी अगर नहीं भी है आप स्ट्रॉबेरी भी यूज कर सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स रहेगा. एंड ये है होममेड पल्पी ऑरेंज का जैम, तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो. इसका भी मैं एक दिन दिखाऊंगी आपको कि इसको कैसे बना सकते हैं. ये टोटली शुगर फ्री है, ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और प्री वर्कआउट है. सो गाइस, दिस इज माय प्री वर्कआउट मिल्क. तभी गैस ऑन कर लिया. सो हमेशा कुछ भी बनाना हो गाइस तो नॉन स्टिक में बनाना. सो नॉन स्टिक में हमेशा प्रेफर करती हूँ. मेरा वाला बहुत पुराना हो गया है एक्चुअली, आफ्टर लॉकडाउन मैं एक नया लेने वाली हूँ, फिर भी इसमें काम चल जाता है. सो इसमें पहले मैं दूध डाल देती हूँ. मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और जो कैमरे के उस साइड में है वो भी है, जो ओट्स नहीं खाते हैं. ठीक है गाइस, तो उनको मैं आज ओट्स का प्रिपरेशन खिला के बताऊंगी. जो ओट्स के नाम से ऐसा बोलते हैं ओ या ओट्स नहीं खाना है. सो मिल्क बॉयल हो रहा है, तब तक मैं ये बता दूँ कि लोग सोचते कि पीनट बटर में फैट होगा. अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो पीनट बटर बहुत सही है. आप इसको मैं ओट्स के साथ बना रही हूँ. आप पीनट बटर को आप किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कुछ कुकीज़ खा रहे हो उसके ऊपर डाल सकते हो, आप ब्राउन ब्रेड में या मल्टीग्रेन ब्रेड में भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. सो मिल्क बॉयल हो रहा है गाइस, अभी इसमें डाल देती हूँ ओट्स, वाइट ओट्स कोई भी कंपनी का आप जो प्रेफर करते हो. बस अच्छे से मिक्स होने गाइस. मैं पिछले 5 साल से ओट्स खा रही हूँ, हेल्दी है बहुत ज्यादा. ओट्स का मेरे पास बहुत सारे प्रिपरेशन है. इसको थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ गैस को, इसको जलाना नहीं है. हाँ, ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये जो जैम मैंने यूज किया है ये अगर नहीं चाहते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें नमकीन और थोड़ा सा स्वीट का फ्लेवर चाहिए था, इसलिए मैंने डाला. अगर किसी को डायबिटीज है तो ये जैम अवॉइड कर सकता है, पर इसमें एक्चुअली शुगर नहीं है इसीलिए मैंने ऐड किया है. और आप जब पीनट बटर लोगे मार्केट से तब ये देख लेना, ये क्रंची वाला पीनट बटर है, बहुत ज़्यादा क्रंचेस है इसमें. सो जितना ये क्रंची वाला रहेगा तो उतना आपको मज़ा आएगा. आप अच्छे से बॉईल हो गया, अब मैं इसको इसके अंदर पीनट बटर डाल दिया. यस, अब इसको ना अच्छे से ऐसे घुमा घुमा के मिक्स करना है, नहीं तो पीनट बटर इसके साथ दूध के साथ और ओट्स के साथ मेल्ट नहीं होगा. ओट्स को बहुत तरीके से खा सकते हैं हम लोग. मेरे पास एक्चुअली ओट्स का नमकीन ज्यादा है आइटम. मैं ओट्स का खिचड़ी, ओट्स का पोहा, बहुत सारे चीज, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ना बोर हो जाती हूँ खाना खा के. तो मुझे पता है कि डाइट करना कितना मुश्किल है. सो डाइट मीन्स ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, डाइट मीन्स ये है कि हम हेल्दी चीज खाएंगे. तो मैं थोड़ा सा जो भी हमारे डाइट के सामान रहता है घर पे उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके मैं बना लेती हूँ. सो देखिए कितने अच्छे से ये क्रंची पीनट बटर और ओट्स और मिल्क एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बना, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं, ये ऐसा होगा. पीनट बटर में खुशबू आ रहा है ना, तो वही तो मजा है इसके साथ खाने का. अब ये एक साथ मिक्स हो चुका है, इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, फिर वो पीनट बटर का जो फ्लेवर और टेस्ट है वो खराब हो जाएगा. देन ये जो जैम है, अब जैम को
ऐड करूंगी। तो ये थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा नमकीन और अच्छे से इसको मिक्स करना। गैस को ऑफ करने के बाद ही जैम इसमें ऐड करना गाइस, नहीं तो जैम जल जाएगा। जलाना नहीं है। और पीनट बटर डालने के ठीक 2 सेकंड बाद ही इसको बंद कर देना गैस को, नहीं तो जल जाएगा। ज्यादा पकाना नहीं है इसको। देन ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी एक प्लेट में मैं सर्व करूंगी और ऊपर से गार्निश के लिए मैं ब्लूबेरी डालूंगी। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, पर मैं उसी टाइम सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स ले लिया था तो इसलिए मैं अभी इसे भी ऐड कर रही हूँ। सो ओट्स रेडी हो चुका है अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। मैं इसमें गार्निश करूँगी हनी और ये पम्पकिन सीड्स। तो कुछ भी सीड्स आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे डाइट का एक हिस्सा है। सो देखो जो लोग ओट्स नहीं खाते हो कि ये कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। गाइस कमेंट पे ज़रूर बताना ये ट्राई करके ये कैसा लगा, और अभी किसी ना किसी को तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो कैमरे को उस तरफ जो है जयेश तुमको आना पड़ेगा। मुझे पता है तुम ओट्स नहीं खाते हो, फिर भी तुमको खाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो खाती हूँ। जयेश अब तुमको ओट्स खाना पड़ेगा, जो जिंदगी में सबसे तुमको नफरत है ना ओट्स खाना। मेरे ओट्स जरा भी नहीं पसंद है, मैं ओट्स नहीं खाता। मैंने एक टाइम खाया था बट वो बहुत गंदा लगा था मुझे टेस्ट में। ओट्स डायबिटीज पीपल के लिए बहुत अच्छा होता है बट मेरे को जरा भी नहीं पसंद। बट अभी फैम ने इतना प्यार से बनाई है, सो खा के देखते हैं। खा के आज एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे पे। ठीक है, ये ओट्स विद फेस देखने लायक है तुम्हारा। अरे मेरे को जरा भी नहीं पसंद है ओट्स। ठीक है, ओके ठीक है, खा के देखते हैं कैसा लगता है। एकदम सही रिव्यू बताओ। खाना पसंद करोगे ऐसा ओट्स? सच्ची बोलूं तो ओट्स जैसा एकदम टेस्टलेस लगता है ना वैसा लग ही नहीं रहा है। इसमें हनी ये सब जैसे काफी स्वीट लग रहा है एंड जो फ्रूट्स था उसके से काफी टेस्टी लग रहा है। सो ये ओट्स मेरे को बहुत पसंद आया एंड मैं इसको खाना पसंद करूंगा। ऑनेस्टली खाना पसंद करूंगा। ओके सो गाइस जल्दी से ये बनाओ और हेल्दी रहो। हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो हेल्दी डाइट भी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसको ट्राई करना, देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी है। सो ये हमारा अभी नाश्ता बन गया है क्योंकि अभी शूट करते करते हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी ये नाश्ते के टाइम है तो हम लोग इसको नाश्ते में खाएंगे। सो गाइस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबा दो ताकि दूसरे ब्लॉग जब अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। तो ये और ये ट्राई करो क्योंकि ये ऑनेस्टली सच्ची अच्छा है। मैं ओट्स नहीं खाता बट दिस इज टेस्टी एंड इनकी वजह से अभी मैं ये ट्राई करूंगा बनाने का इनका ब्लॉग देख के। सो ब्लॉग देखो, ट्राई करो एंड बताओ कैसा लगा कमेंट में। यस एंड झूठे बोल रहा हूँ, सच्ची में मैं नहीं खाता था ओट्स लेकिन अच्छा लगा। यो पास हो गए। बाय बाय गाइस। बाय।